मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह जी वर्मा ने आज इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रारंभ होगा इंदौर में LIG से 9 लाख तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, जनता को मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति। इंदौर में जल्द ही LIG से 9 लाख तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रारंभ होगा। लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने LIG से 9 लाख तक बनने वाले इस कॉरिडोर के बारे में कहा कि यह प्रोजेक्ट इंदौर वासियों की एक लंबित मांग है और मेरा भी यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ हो सके, इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 दिसंबर को ऑनलाइन निविदा बुलाई गई है और फरवरी से काम प्रारंभ करने का प्रयास है। मैं अपने शहर इंदौर में से ही शुरुआत करूं, अपने मीडिया के साथियों से रूबरू हूं और उपयुक्त घटनाक्रम जिस समय देश से लेके इंदौर तक चल रहे हैं उनके बारे में भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मेरे विभाग की जो कार्य योजना है इंदौर शहर से लेकर मध्य प्रदेश के लिए, उसके बारे में भी मैं अपने साथियों से मुखातिब होना चाहता था। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज चौहान जी भी कहीं खंडवा तरफ गए होंगे। मैंने कल एक समाचार पत्र में बड़ी भारी न्यूज पढ़ी हमारे विभाग से संबंधित थी कि इंदौर से इच्छापुर रोड खंडवा के आसपास सड़क की बड़ी दुर्दशा है। उन्होंने बड़े दयनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस सड़क को नहीं दे रही है। ये व्यक्ति इस समय फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पूरे प्रदेश में झूठ और सट की दुकान चलता हुआ